हिमांशी खुराना। कई लोग पूछ रहे हैं कि हिमांशी जानना चाहते हैं कि हिमांशी क्या इस पंजाबी इंडस्ट्री में ही केवल काम करेंगी या आगे वेब सीरीज या बॉलीवुड में जाना या आगे और इनकी तरक्की दिखा रहा है कि नहीं। मैं इसमें मैसेजेस देखना चाहूंगी। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज मुझे बताएं कि हिमांशी खुराना का फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो क्या ये केवल पंजाबी इंडस्ट्री में ही केवल काम करेंगी? इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये इनके फैंस जानना चाहते हैं, जो कि जानना चाहते हैं हिमांशी खुराना आगे क्या केवल पंजाबी इंडस्ट्री में ही केवल काम करती रहेंगी। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, बाकी मैं मैसेजेस देखना चाहूँगी। पॉजिटिव कार्ड है, पंजाबी इंडस्ट्री में ही काम करती रहेंगी। मैं इसमें एक बार ये भी पूछ लेती हूँ, क्या कभी OTT या वेब सीरीज में आएंगी क्या ये कभी? मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि हिमांशी क्या कभी वेब सीरीज कर पाएंगी? अगर वेब सीरीज कर पाएंगी तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा फ्यूचर में, अगर नहीं कर पाएंगी तो नेगेटिव कार्ड दिखाएगा। वेब सीरीज आगे फ्यूचर में इनकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। इनको लव ऑफ फेम भी मिलेगा अगर वेब सीरीज पे अगर आती हैं। मैं बॉलीवुड का पूछ लेती हूँ कि क्या ये पंजाबी इंडस्ट्री के अलावा बॉलीवुड में भी आने की इनकी फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी है हिमांशी खुराना की? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा बॉलीवुड में आने के लिए, अगर नहीं है कोई पॉसिबिलिटी तो नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। यहाँ पे इनकी पॉसिबिलिटी है, जो पुराने इश्यूज जो चले आ रहे थे इनकी लाइफ में, फ्यूचर में ये शो कर रहा है कि वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे। जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स दिखा रहा हो बॉलीवुड में आने के लिए, तो वो पुराने इश्यूज इनके सारे खत्म हो जाएंगे। और इसमें बाकी मैं मैसेजेस इसमें देख लेती हूँ कि इनका अगर ये आती हैं बॉलीवुड में तो इसके लिए क्या मैसेजेस है मैं देखना चाहूंगी। इसमें ये शो कर रहा है कि अगर ये बॉलीवुड में आना चाहें तो बिल्कुल आ सकती हैं, इनको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये आगे प्रोग्रेस इनकी दिखा रहा है और इसमें ये भी शो हो रहा है कि इनको थोड़ा सा प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, चीज़ों को प्लानिंग करके एक स्ट्रेटजी बना के तब आगे बढ़ना चाहिए बॉलीवुड की तरफ, पंजाबी इंडस्ट्री के अलावा इसमें शो कर रहा है। और इसमें ये भी शो कर रहा है कि इनको कोई लेडी यहाँ पे सपोर्ट इनको कर सकती है, कोई ऐसी लेडी है जो कि बहुत सपोर्टिव रहेगी इनके साथ, ये कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली की या एक कोई इंडस्ट्री के कोई जना, कोई भी या फ्रेंड सर्किल में कोई भी हो सकता है। और ये कोई ऐसी लेडी है जो कि इनके ही एज की होगी लगभग लगभग, ये तो केवल वही बता सकती है कौन है। और जो पुराने इश्यूज जो इनके लाइफ में अगेन यहाँ ये शो हो रहा है, ये चाहेंगी तो बहुत कि इश्यूज खत्म हो जाए बॉलीवुड में आने में, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट ये बहुत चाहेंगे कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए जो भी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन अगेन कोई जना इनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकता है। प्रॉब्लम्स यहाँ पे हिमांशी के लिए हैं थोड़ा सा कि कोई जना अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करना, जलन होने के मारे या कोई प्रॉब्लम उनकी तरफ से कोई क्रिएट हो गई, किसी को पसंद नहीं आई, तो ये चीज़ इसमें शो हो रही है। और इनका यहाँ ये भी शो हो रहा है कि अगर ये बॉलीवुड की तरफ जाती हैं तो इनका लव किसी के प्यार में, अगर ये हो सकता है कि ये चाहेंगे तो बहुत कि मुझे प्यार मिले, लेकिन यहाँ पे ये भी शो रहा है कि नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि कोई जना इनसे बहुत ही करीबी कोई मेल जना जो है कोई पर्सन दिखाएगा तो बहुत कि प्यार जताएगा ये सब, लेकिन ये वो उसकी वजह से वो टिक नहीं पाएंगी वहाँ पे, धोखा मिल सकता है। और वो व्यक्ति जो है वो नहीं ये चाह रही होंगी कि मुझे प्यार मिले या सपोर्ट मिले, इनको नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ यहाँ पे शो भी हो रही है कि कोई जना इनको अपने वो शायद हो सकता है वही व्यक्ति इनको रास्ते से हटाने की कोशिश करे। तो
आई थिंक कि इसमें मैसेज बहुत क्लियर है कि हिमांशी इस वक्त जो है, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो आ सकती है, इनको अप्लाई करना चाहिए, आगे उसमें जाना चाहिए, लेकिन कोई जो ना अपने रास्ते से इनको हटाने की कोशिश, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और इसमें मैं यहाँ पे ये भी देख लेती हूँ, इसमें पूछा हुआ है असीम रियाज के बारे में, पूछा हुआ है कि किसी ने कि इनका क्या है, रिश्ता क्या है असीम रियाज के साथ, किस तरह का रिलेशनशिप है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज मुझे बताएं कि हिमांशी और असीम रियाज के बीच में रिश्ते कैसे हैं, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। पॉजिटिव कार्ड और नेगेटिव कार्ड से दिखाइएगा। पॉजिटिव कार्ड को मैं हाँ समझूंगी कि हाँ अच्छे रिश्ते हैं, नेगेटिव कार्ड है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज बहुत होते, एक हल्की फुल्की मतलब तू तू मैं हो जाना, जैसे वो कुछ कह रहे हैं और ये हिमांशी कुछ कह रही है, ये चीज़ शो कर रहा है, दोनों बीच में लड़ाई होती है, यहाँ पे शो भी हो रहा है, किसी किसी चीज़ पे विवाद होता है। और चीटिंग का कार्ड है, पीठ पीछे छुरा भोंकना, तो ये दोनों के रिश्तों में दिखा रहा है ये चीज़। और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव कार्ड तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे कि दोनों के बीच में रिश्ते ऐसे कुछ हो, बल्कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, और ये केवल एक सेल्फिशनेस वाला एक यहाँ पे कार्ड आया हुआ है जो कि ये शो हो रहा है कि दोनों के जो परिवार है अपने बारे में, जो वो सोचते होंगे, परिवार को लेकर भी बातचीत होती होगी कुछ आपस में, कि फैमिली मेम्बर्स तुम मतलब आपके कैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, घर पे क्या चल रहा है, वो सब ये सब थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है कि दोनों को ही बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, ये चीज़ यहाँ शो हो रही है, और रिश्तों में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक सेल्फिशनेस भरा एक केवल यहाँ पे दोनों का रिश्ता दिखा रहा है। आई थिंक कि इसमें बहुत चीज़ें जो है वो अंदाज से पता चल गया होगा रिलेशनशिप से ही, कि दोनों के बीच में सब नेगेटिव ही कार्ड है लगभग, तो चीज़ें ठीक नहीं है। तो आई थिंक कि जो लोग को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि दोनों को रिश्ते कैसे हैं और क्या दोनों के बीच में चलता रहता है, ये चीज़ इसमें शो हो रही है, साफ पता चल रहा है, इससे काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।